नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है लेकिन इसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हम सभी को पता है कि फैसला क्या आया है, इसलिए इस पर हम टाइम नहीं खराब कर रहे हैं। बताते हैं हम इसकी शुरू से कहानी और समझते हैं उस पूरे अध्याय को जो इस मामले से जुड़े रहे हैं। शुरू करते हैं मुगल काल से, यानी मुगल बाबर के जमाने से। इतिहास बताता है कि हिंदुस्तान में मुगलों का पहला संस्थापक बाबर था। बाबर हिंदुस्तान आया था 1526 में और बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था 1528 में। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर के गवर्नर मीर बाकी ने, जो कि इतिहास बताता है। इस मस्जिद को बनाने में 2 साल का वक्त लगा। 1528 से शुरू होकर 1530 में बाबरी मस्जिद बनकर तैयार हुई। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड, पुख्ता रिकॉर्ड है नहीं कि बाबर अथवा मीर बाकी ने यह जमीन कैसे हासिल की और मस्जिद से पहले वहां क्या था। मस्जिद के रखरखाव के लिए मुगल काल, नवाबी और फिर ब्रिटिश शासन में वक्त के जरिए एक निश्चित रकम मिलती थी। ऐसा कहा सुना जाता है कि इस मस्जिद को लेकर अयोध्या के स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों में कई बार संघर्ष हुए। बात करते हैं 1857, असल तनाव उसी साल से शुरू हुआ। 1857 गदर के बाद नवाबी शासन खत्म होने के बाद ब्रिटिश कानून शासन और न्याय व्यवस्था लागू हुई। इसी साल हनुमानगढ़ी के महंत ने बाबरी मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक राम चबूतरे का निर्माण करवाया और भजन पूजा शुरू कर दी, जिसको लेकर वहां झगड़े होते रहे थे। इसी बात को लेकर बाबरी मस्जिद के मौलवी मोहम्मद असगर ने इस पर आपत्ति जताई थी और पटिशन डालकर इस बात की शिकायत मजिस्ट्रेट से की। मौलवी ने कहा कि मस्जिद के आंगन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया गया है। अब समझते हैं 1859 की उस कहानी को, जिसमें अंग्रेजों ने जगह को कैसे बांटा था। शांति व्यवस्था को बहाल रखने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने साल 1859 में चबूतरे और मस्जिद के बीच एक दीवार बनवा दी थी, यानी कि मुस्लिमों और हिंदुओं की इबादत की जगह का बंटवारा कर दिया था। लेकिन गलती यहां हो गई कि उनका मुख्य दरवाजा एक ही रखा। इसके बाद भी मुसलमानों की तरफ से लगातार साल 1860, 1870, 1882 और 1884 के सालों में लिखित शिकायतें होती रही कि हिंदू वहां नमाज में बाधा डाल रहे हैं। याचिका फैजाबाद सिविल कोर्ट में डाली गई मगर ये सारी अपीलें रद्द कर दी गई। साल 1883 जब पहली बार मंदिर के लिए पत्थर गिराए गए, मई 1883 में मुंशी रामलाल और राम मुरारी राय बहादुर का लाहौर निवासी कारिंदा गुरमुख सिंह पंजाबी वहां पत्थर वगैरह सामग्री लेकर आ गया और प्रशासन से मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी, मगर डिप्टी कमिश्नर ने वहां से पत्थर हटवा दिए। बढ़ते हैं 1885 के उस दौर में जब मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर किया। मुकदमे में 17x21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्मस्थान बताया गया। वहीं पर मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी गई ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से निजात पाए। इसमें दावा किया गया कि वह इस जमीन के मालिक हैं और उनका मौके पर कब्जा है। सरकारी वकील ने जवाब में कहा कि वादी को चबूतरे से हटाया नहीं गया है, इसलिए मुकदमे का कोई कारण ही नहीं बनता है। मोहम्मद असगर ने अपनी आपत्ति में कहा कि प्रशासन बार बार मंदिर बनाने से रोक चुका है। यह सब रिकॉर्ड करने के बाद जज पंडित हरिकिशन ने यह भी लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं और दोनों के रास्ते एक हैं और मंदिर बनेगा तो शंख घंटे वगैरह बजेंगे जिसमें दोनों समुदाय के बीच झगड़े होंगे, लोग मारे जाएंगे, इसलिए प्रशासन ने मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी। यहां पर दूसरी वजह यह भी थी कि इस दावे में यह बात नहीं साबित हो रही थी कि जहां मस्जिद है वहां पहले कोई मंदिर था। इस तरह मस्जिद के बाहरी परिसर में मंदिर बनाने का पहला मुकदमा निर्मोही अखाड़ा साल भर में हार गया। अब वो दौर इसी मंदिर को लेके 1934 का भी गुजरा था, जब पहली बार भीड़ ने मस्जिद पर हमला किया था।
1934 में बकरीद के दिन पास के एक गांव में गौ हत्या को लेकर एक दंगा हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। मस्जिद के गुम्बदों को काफी क्षति हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मस्जिद की मरम्मत करवा दी। बढ़ते 1936 में जब मुसलमानों के बीच सिया सुन्नी की लड़ाई हुई, तब इस पे क्या फर्क पड़ा उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। 1936 में मुसलमानों के बीच ही सिया और सुन्नी के इस बात पर कानूनी विवाद उठ गया कि मस्जिद किसकी है। जानकारी के लिए बता दें कि मुसलमानों में दो समुदाय होते हैं, एक होता है शिया, एक होता है सुन्नी। दोनों के विचार बहुत हद तक एक दूसरे से अलग है और इस बात पर विवाद बढ़ गया। सिया वक्फ कमिश्नर ने इस पर बेंच बैठाई। मस्जिद के मुतवल्ली यानी मैनेजर मोहम्मद जकी का दावा था कि मीर बाकी शिया था, इसलिए यह शिया मस्जिद हुई। लेकिन जिला वक्फ कमिश्नर ने 8 फरवरी 1941 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की स्थापना करने वाला बादशाह सुन्नी था और इसके इमाम तथा नवाज पढ़ने वाले सुन्नी हुए, इसलिए यह सुन्नी मस्जिद हुई। इसके बाद शिया वक्फ बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैजाबाद के सिविल जज की कोर्ट में मुकदमा कर दिया। सिविल जज एस एहसान ने 30 मार्च 1946 को शिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। यह मुकदमा इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि अभी तक भी शिया समुदाय के कुछ नेता इसे अपनी मस्जिद बताते हुए मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने की बात कर रहे थे। जब अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने को आई तो हिंदुओं की तरफ से फिर चबूतरे पर मंदिर बनाने की हलचल हुई, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों समुदाय से बातचीत के बाद लिखित आदेश पारित किया कि ना तो चबूतरा पक्का बनाया जाएगा ना मूर्ति रखी जाएगी। दोनों पक्ष यथास्थित बहाल रखेंगे। इसके बाद भी मुसलमानों की ओर से लिखित शिकायतें आती रहीं कि हिंदू वैरागी नवाजियों को परेशान करते हैं। साल 1948 जब हिंदुओं ने जबरन मस्जिद पर कब्जा कर लिया। वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट लिखकर मस्जिद पर खतरे के बारे में प्रशासन को विस्तार से बताया। उन्होंने लिखा कि हिंदू वैरागी वहां मस्जिद के सामने तमाम कब्रों मज़ारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं। अब मस्जिद में केवल शुक्रवार की ही नमाज हो पाती है। हिंदुओं की भीड़ लाठी फरसों वगैरह लेकर इकट्ठा होती रहती है। ये पहला पार्ट था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच के विवाद का। बने रहिए कबीर न्यूज़ के साथ, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे अपने दूसरे पार्ट के साथ।